देखो दोस्तों अपने को जी सरिंज सी 50 ml की ये आप मतलब की है जो रोटी के टुकड़े आ जोड़े बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म विच हो चुके आ मतलब पानी के भिज के ये आप कुछ पावे ये कोई 10-20 ml आप मतलब भर लाँगे भरन तो बाद आप जो हवा कढ़ा देंगे हवा कढ़ाने तो बाद आप मतलब फीडिंग दे देखो तुम किस तरह आप मतलब इन फीडिंग देनी है पैरट में जो फीडिंग देनी है जो ये न्योजल आयोजल होगी तो जी यदि टंग आ मतलब जिब उस तो उपर होनी चाहिए आ हौली हौली आप मतलब जी फीडिंग करते रहना देखो फीडिंग लै रहा वा बहुत प्यार फीडिंग लै रहा देखो आप मतलब की आ इरीटरेट भी नहीं करना गा आप बाद दोबारा फिर असं इनू मतलब कर सकते देखो हमने किसी तरह ना कोई चुंझ नहीं वढ़ रहा क्यों नहीं वढ़ रहा क्योंकि इन फीडिंग मिल रही है फीडिंग मिल रही ना देखो जैसे जिम्मे कुदरती तौर पर फीडिंग मिलती उमें फीडिंग इनू अंदर जा रही आ जो यदा मतलब कि इनू प्रॉपर फीडिंग ये अंदर जा रही है बिल्कुल आप स्लो फीडिंग देवे इनू ये नहीं गा बहुत फास्ट बिल्कुल स्लो स्लो फीडिंग देनी है ता जो बच्चा मतलब आसानी ना फीडिंग ले सके इस तरह हम देखो हमेशा जो बच्चा इनू इदा पकड़ना वा आप इदा नहीं पकड़ना इदा ये उपर दो उंगलों रख के यदि जो आप चुंझ भी खोलनी तो इदा खोल के आप फीडिंग कर सकते हैं इस चीज़ तो पता लगता भी बच्चे ने किन्ना खादा बोर्ड तो पता लग जाता भी इन्हें यदि किन्नी क मतलब भुखा वा ज मतलब इन्हें किन्नी कि खुराक लाई हुई है देखो कि फ्रेंडली हो गया देखो हम हाथ से बैठन लग पाया कल मतलब डरदा सीगा हौली हौली आ देखो जेडे पंछी आ ये भी प्यार भालदे आ जिदा अपने बच्चे आ जां कुछ भी आ देखो इन मैं कल दा फ्री फीडिंग दे रहा ना तो इनू पता लग गया भी ये हत्थां दे नाल मैनू फीडिंग मिल रही आ जां मतलब इन्हें मैनू मेरी मतलब कि एक समैल जी मतलब की है जी वो आ जी फीड है फीड वो हुण मेरे हत्थां राहीं मिल रही है मैनू शायद मेरी समैल भी मतलब जिहड़े जानवर हुंदे आ समैल भी मतलब एक चमड़ी की पहचान लेंदे आ जिस करके सिक्योर फील करता वा सो इदा करके देखो आप मतलब जी फीड है दे सकते हैं सो धन्यवाद थोड़ा सारिया का तो मैं अगले ब्लॉग के तुहानू जरूर मिलूंगा।